हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का सबसे खूबसूरत टॉपिक, सबसे खूबसूरत पोयम, जिसका नाम क्या है बच्चों? अ टाइगर इन द जू। जैसे कि आपको पता होगा कि अ टाइगर इन द जू लिखे हैं लेस्ली नॉरिस। ओके, लेस्ली नॉरिस जी ने लिखे हैं। तो चलिए, इस पोयम में है ना, जो पोएट है लेस्ली नॉरिस ने क्या कहने की कोशिश की है, इसके बारे में आज हम लोग बात कर लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस पोएम में बेसिकली बताने की कोशिश किया जा रहा है कि एक टाइगर जो जू में रहता है, यानी कि जू में रहने वाले टाइगर, और वैसा टाइगर जो अपना नेचुरल हैबिटेंट मतलब जंगल, ओके, जो नेचुरल हैबिटेंट में रहता है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में इस पोएम में डिस्कस किया गया है। तो चलिए बिना देर किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मेरे प्यारे बच्चों, पोयम को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। तो बिना देर किए हुए इस सेशन को, इस इंट्रोडक्शन को आज हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। दिस पोयम, ये जो पोयम है, ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, डिफरेंसेस को दिखाता है। किसके किसके बीच में डिफरेंसेस को दिखाता है मेरे प्यारे बच्चों? एक ऐसा टाइगर जो कहाँ पर रहता है, जू में रहता है, चिड़ियाघर में रहता है, और ये टाइगर जो जू में रहता है उसका है ना डिफरेंस, उसका अंतर बताने की कोशिश किया जा रहा है किसके साथ मेरे प्यारे बच्चों? वो टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेंट में रहता है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि नेचुरल हैबिटेंट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? नेचुरल हैबिटेंट का मतलब होता है फॉरेस्ट, जहां पर वो एक्चुअल में रहता है। बात समझ में आया? तो इस पोयम में हमें क्या समझ में आया है ना, इस लाइन से हमें क्या समझ में आया कि ये जो पोयम है वो कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा, डिफरेंस दिखाएगा, एक ऐसा टाइगर जो जू में रहता है किसके साथ बच्चों? जो अपने नेचुरल हैबिटेंट में रहता है टाइगर उसके साथ। यानी कि वो टाइगर जो जू में है उसका कॉन्ट्रास्ट यानी कि डिफरेंस दिखाने की कोशिश किया जा रहा है उस टाइगर के साथ जो अपने नेचुरल हैबिटेंट में है। ओके, आगे क्या लिखता है मेरे प्यारे बच्चों? दिस पोयम मूव्स, ये जो पोयम है वो मूव करता है कहाँ से? जू से जंगल की ओर। यानी कि इस पूरे पोयम में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जो टाइगर है वो कहाँ पर है बच्चों? जू में। तो जू के बारे में टाइगर हम लोग पढ़ लेंगे कि जू में आखिर ये टाइगर का बिहेवियर कैसा होता है, इसका लाइफ स्टाइल कैसा होता है। फिर इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे बच्चों? जंगल में। ओके, कहाँ जाएंगे बच्चों? जंगल में। और यही जंगल में जाने के बाद फिर दोबारा हम लोग कहाँ वापस आके लौट जाएंगे बच्चों? फिर से हम लोग जू में लौट के आ जाएंगे। यानी कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ये टाइगर इन द जू ये किधर से किधर मूव करता है, तो सबसे पहली बात, इस पोयम में ये पोएट जो है वो जू से स्टार्ट किए हैं और जंगल की ओर लेके गए हैं और वापस फिर जू में ला करके उठा के रख दिए हैं। तो यही चीज़ ये लाइन कहता है। आगे देखो, एंड बैक अगेन टू द जू, राइट? ओके, आगे क्या लिखा हुआ है? रीड द पोएम साइलेंटली वंस, एक बार इस पोएम को साइलेंटली चुपचाप से मन लगा करके पढ़ना है बिना आवाज किए हुए। एंड से, और बोलना है, क्या बोलना है बच्चों? विच स्टांजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, कि कौन सा स्टांजा में जू के बारे में बात किया गया कि टाइगर जू में रह रहा है, ये कौन सा स्टांजा में है? एक स्टांजा, दो स्टांजा, तीन, चार, पांच, क्योंकि इस पूरे पोयम में आपको पांच स्टांजा देखने को मिलेगा बच्चों। ओके, तो हर स्टांजा में आपको ये पता लगाना है कि कौन सा स्टांजा जू के बारे में बात किया जा रहा है या कौन सा स्टांजा है ना जंगल के बारे में बात किया जा रहा है। ओके, ओके, आगे क्या लिखा हुआ है? एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। ओके फाइन, तो चलिए हम लोग बिना इस लेक्चर को लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ, देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है। ही यहाँ पर किसके लिए आया बच्चों? ही यहाँ पर आया है टाइगर के लिए। किसके लिए आया है? टाइगर के लिए। ओके, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आप नोट करते जाइएगा या फिर आप लास्ट में एक बार पूरा रिकैप करके देख लीजिएगा और नोट कीजिएगा। अभी फिलहाल सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां पर ही किसके लिए आया बच्चों? टाइगर के लिए। ही स्टॉक्स, अब यहां पर सवाल आता है सर स्टॉक्स का मतलब क्या होता है? मूव स्लोली, मूव स्लोली, राइट, मूव स्लोली, धीरे धीरे चलना बच्चों, ऐसा चलना जहां पर कदमों की आवाज सुनाई ना दे, राइट, धीरे धीरे चलना। क्या लिखा है? ही स्टॉक्स, वह चलता है इन हिज विविड, विविड का मतलब क्या होता है बच्चों? विविड का मतलब होता है ब्राइट, चमकीला। ओके, क्या होता है बच्चों? चमकीला, ब्राइट। स्ट्राइप्स, अब यह स्ट्राइप्स क्या होता है देखो, जैसे कि आप लोग देखे होंगे स्ट्राइप्स का एक्चुअल में हिंदी अगर हम देखें तो धारियां होता है। जैसे टाइगर के अंदर देखना है ना, ब्लैक ब्लैक कलर का स्ट्राइप्स होता है, जैसे अंदर में येलो बैकग्राउंड होता है और ऊपर में ऐसे ऐसे धारियां होता है, लाइन लाइन, ऐसे ऐसे लाइन, ठीक है, इसको स्ट्राइप्स बोलते हैं बच्चों। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप गूगल में प्लीज सर्च कर लेना स्ट्राइप्स, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। आ जाओ,
तो क्या लिखा हुआ, इस पूरे लाइन का क्या मतलब हुआ कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वह जो है वो चलता है धीरे धीरे अपने चमकीला स्ट्राइप्स, ये चमकीला किसको बोला गया, स्ट्राइप्स धारियां को, है ना, जो टाइगर के बॉडी में जो लाइनिंग जिगजैग लाइनिंग होता है उसको स्ट्राइप्स कहा गया। तो वो चल रहा है राइट अपने चमकीला धारियों के साथ एकदम पूरा शान के साथ, ये स्टॉक का मतलब होता है बच्चों, है ना, शान से चलना, राइट, शान से चलना। और टाइगर है भाई तो डर से क्यों चलेगा, शान से ही तो चलेगा। ओके, द फ्यू स्टेप, कुछ ही कदम चलता है ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे का। तो केज से समझ में आ गया कि ये पूरा स्टांजा किसके बारे में बात किया गया बच्चों, ये पूरा स्टांजा जू के बारे में बात किया गया है ना, सॉरी बच्चों, है ना, अगर कुछ साउंड की आवाज आ रहा है तो प्लीज मैनेज करना, है ना, घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो ये साउंड थोड़ा आएगा, ओके, मैनेज करना, ओके ओके। तो मैंने क्या बताया कि ये जो फ्यू स्टेप है ऑफ हिज केज, यानी कि ये जो टाइगर है वो चल रहा है अपने विविड स्ट्राइप्स को लेकर के, कुछ ही कदम, राइट, कुछ ही कदम चल रहा है बच्चों, कहां पर, ऑफिस केज, अपने पिंजरे में। सपोज इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लिया जाए ये कमरा है, कमरा नहीं है ये केज है, तो उसके लिए कमरा ही हुआ टाइगर के लिए। तो बच्चों ये कुछ ही कदम, अब ये चल तो नहीं पाएगा ना ज्यादा ज्यादा, ये टाइगर मान लिया जाए ये टाइगर है तो यहां तक चल पाएगा, यहां तक चल पाएगा, यहां तक चल पाएगा, मैक्सिमम यहां तक जा पाएगा। क्या इस पिंजरा के बाहर जा पाएगा बच्चों, नहीं जा पाएगा, इसीलिए यहां पर क्या यूज हुआ है, फ्यू स्टेप, कुछ ही कदम वो अपने चल पाता है अपने ही पिंजरे में। ऑन पैड्स, पैड क्या होता है, पैड मतलब ही होता है चलना, बट एक ऐसा चलना जिसमें से आवाज नहीं आता है। ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट का मतलब क्या होता है, मखमली, राइट। तो आप देखना टाइगर का जो पैर के नीचे जो होता है ना बच्चों, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, क्वाइट, है ना, पूरा शांत होता है, पूरा सॉफ्ट होता है, राइट। इन इज क्वाइट रेज, क्वाइट मतलब शांत, रेज मतलब गुस्सा। अब शांत गुस्सा कैसे हो गया, है ना, यानी कि यहां पर देखो बच्चों, एक हम वीडियो लेकर के आएंगे फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर, फिगर ऑफ स्पीच, राइट, फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, यहां पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर का स्पेलिंग गलत लिखे हैं आप सुधार लेना, FIGUR, फिगर ऑफ स्पीच, तो इसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि जो टाइगर है वो अपने स्ट्राइप्स को, चमकीले स्ट्राइप्स से वो शानदार तरीके से चलता है, लेकिन वो जो चलता है ना बच्चों, वो कुछ ही स्टेप चल पाता है अपने पिंजरों का, पिंजरों में, है ना, ओके। और वो चलता है तो उसका जो पैड्स है, यानी कि जो पैर है उसका जो तलवे हैं, है ना, वो वेलवेट क्वाइट, पूरा मखमली है, राइट, पूरा सॉफ्ट है, पूरा सॉफ्ट है बच्चों, ओके। इन हिज क्वाइट रेंज, और जो पिंजरा में चल रहा है वो गुस्से में चल रहा है। यहां पर रेज का मतलब क्या हो गया बच्चों, एंगर, क्या हो गया, एंगर, गुस्सा। तो वो पिंजरे में, पूरा इस पिंजरे में जो चल रहा है वो धीरे धीरे चल रहा है, कुछ ही कदम चल पा रहा है, और वो उसका जो पैर के नीचे जो वेलवेट है ना, वेलवेट है यानी कि जो मखमली, जो सॉफ्टी सॉफ्टी जो पैड है यानी कि पैर है, वो उस तरीके से चल रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या है बच्चों, पूरा गुस्सा है बच्चों, है ना। अच्छा, गुस्सा क्यों होगा आपको पता है, क्योंकि इसको कहां कैद करके रखा गया है, जू में। तो फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा कि ये फर्स्ट पैराग्राफ जू के बारे में बात कर रहा है और यहां पर टाइगर बहुत ज्यादा गुस्सा में है। अब दूसरा पैराग्राफ में क्या बताने की कोशिश किया गया बच्चों, अब इसको ध्यान से समझना। बोल रहा है ही तो टाइगर है, शुड बी लर्किंग, लर्किंग का मतलब होता है छिप करके बैठना, है ना, मतलब किसी का इंतजार करना। इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, अब आपको पता है लॉन्ग ग्रास तो यहां पर है ना जू में तो होगा नहीं बच्चों, तो कहां होगा, जंगल में। जैसे मान लिया जाए ये जंगल है, राइट, ये जंगल है बच्चों, अब ये जंगल में बहुत सारे लॉन्ग ग्रास भी होगा, तो क्या कह रहा है कि उसको लर्किंग कर रहा होना चाहिए, छुप करके बैठ रहा होना चाहिए, कहां पर, इस जंगल में, है ना, जंगल में कोई भी शैडो में, किसका शैडो, जो लॉन्ग ग्रास है उसका शैडो में, और क्या कर रहा होना चाहिए, स्लाइडिंग कर रहा होना चाहिए, है ना, खिसक रहा होना चाहिए। सर स्लाइडिंग क्यों कर रहा होना चाहिए, इसको फीलिंग देते हैं ना, फील करवाते हैं इसको, क्या मतलब है, पूरा मान लिया जाए ये ग्रास है, राइट, ये क्या है बच्चों, ये ग्रास है, यहां पर टाइगर जो है वो छिप करके बैठा हुआ है, और टाइगर छिप करके क्यों बैठता है, वो डरा है इसलिए नहीं, ताकि कोई शिकार आ जाए तो उसको देखेगा, इंतजार करेगा और झपेटा मारेगा, इसी को तो बोलते हैं लर्किंग। लर्किंग का मतलब क्या होता है बच्चों, छिप करके बैठना, किसी का इंतजार करना छिप करके, है ना, अटैकिंग मूड में, राइट, उसको लर्किंग बोला जाता है। तो लॉन्ग ग्रास में, है ना, वो धीरे धीरे आगे की ओर मूव कर रहा होगा, है ना, स्लाइड कर रहा होगा इस लॉन्ग ग्रास में, और छुप करके बैठा होगा। सर क्यों छुप करके बैठा होगा, आगे देखो, अच्छा कहां छुप करके बैठा होगा, नियर द वाटर होल। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पूरा जंगल है बच्चों, क्या है, ये जंगल है, कलर को चेंज कर लेते हैं, है ना, ये जंगल है, इस जंगल में यहां पर बहुत सारा लॉन्ग ग्रास है और यहां पर पानी है, तो हो सकता है कोई एनिमल पानी पीने के लिए आए, तो टाइगर यहां पर क्या होगा, छिप करके बैठेगा, है ना, लर्किंग करके बैठेगा, घाक लगा करके बैठेगा, है ना, इंतजार कर रहा होगा उस एनिमल का जो यहां पर जो पानी है उसको पानी पीने के लिए आएगा, तो जंगल में तो पानी पीने के लिए जाता ही है, जैसे वो पानी पीने के लिए आएगा ये क्या कर देगा, अटैक कर देगा। बस मैं
वही चीज यहां पर लिखा हुआ है। तो क्या बोल रहा है कि वो उसको लर्किंग कर रहा होना चाहिए। देखो बच्चों बार बार हम रिपीट कर रहे हैं तो ये आपके भले के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक बार आप, है ना। अगर आपको लॉन्ग लग रहा है वीडियो तो 1.5 में आप जाकर के देखें, है ना, तो भी आपको समझ में आएगा। लेकिन ये वीडियो को स्किप किए बिना आप देखो पूरा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो वो कहां लर्किंग कर रहा होगा, लॉन्ग ग्रास में। और ये लॉन्ग ग्रास कहां है जहां लर्किंग कर रहा है, वो उसका प्लेस कहां है, सिचुएशन मतलब उसका लोकेशन क्या है बच्चों, तो नियर द वाटर होल, वो छेदा, वो होल छोटा सा जहां पर, एक तरह से बोल देते हैं जैसे छेदा नहीं होता, छोटा सा गड्ढा जहां पर पानी जम जाता है, तो वो होल, है ना, जहां पर पानी है वहां पर जो लॉन्ग ग्रास है उसके आजू बाजू वहां पर टाइगर को क्या कर रहा होना चाहिए, छिप करके बैठा हुआ होना चाहिए। क्यों, है ना, वेयर द प्लम डियर पास, यानी कि ये जो वाटर होल है, देखो बच्चों ध्यान समझना, ये हो गया जंगल, राइट, ये हो गया वाटर होल, ये हो गया हमारा लॉन्ग ग्रास, यहाँ टाइगर छिप करके बैठा हुआ है और यहाँ पर डियर जो है ऐसे पास हो रहा है पानी पीने के लिए, तो क्या करेगा ये टाइगर इस डियर को क्या करेगा, अटैक करेगा, इसलिए तो लर्किंग किया हुआ है, है ना। तो क्या कह रहा है कि नियर द वाटर होल वेयर द प्लम, प्लम का मतलब क्या होता है, फ्लेसी, मोटा तड़ा, जो जिसके अंदर मांस ज्यादा है, राइट, फ्लेसी। तो जो प्लम्प है, जो डियर है, है ना, ये क्या है, प्लम्प ज्यादा है, ज्यादा मोटा है, तो जो टाइगर है वो छुप करके इंतजार कर रहा है इस लॉन्ग ग्रास में, है ना, वाटर कहां पर, नियर होल, यानी कि जो वाटर होल है उसके सामने, और यहां से क्या होता है, प्लम्प डियर पास होता है, तो टाइगर क्या करेगा, अपना शिकार बनाएगा इसको, है ना। तो ये सेकंड स्टांजा कहां की बात किया जा रहा है बच्चों, जंगल की बात किया जा रहा है, बात समझ में आया, ओके। तो चलिए आगे की ओर हम लोग मूव करते हैं, थर्ड पैराग्राफ में देखो क्या लिखता है, He should be snarling. Snarling मतलब क्या होता है, दहाड़ना, राइट, उसको क्या कर रहा होना चाहिए बच्चों, दहाड़ रहा होना चाहिए, अराउंड द हाउसेस, घर के चारों ओर, एट द जंगल एज, जंगल एज मतलब क्या होता है, किनारा, जंगल का किनारा, इसका क्या मतलब है, जैसे मान लिया जाए ये जंगल है बच्चों, तो जंगल का किनारा इसको बोलेंगे, ये एज है जंगल का किनारा, और यहां पर बहुत सारे घर जंगल के किनारे में, यानी कि साइड साइड में बहुत सारे क्या होंगे, घर होंगे, बोलो हाँ यार, होगा कि नहीं होगा, ओके, बहुत सारे यहां पर क्या होंगे, घर होंगे। तो क्या कह रहा है पोएट, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टाइगर को, है ना, घर के चारों ओर, राइट, घर के चारों ओर क्या कर रहा होना चाहिए, इसको स्नार्लिंग कर रहा होना चाहिए, राइट, मतलब सॉरी, जंगल के चारों ओर क्या कर रहा होना चाहिए, जंगल के चारों ओर जो घर है उसके घर के तरफ चारों ओर वहां पर क्या कर रहा होना चाहिए, दहाड़ रहा होना चाहिए, ओके ओके। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, बियरिंग मतलब क्या होता है, अनकवर करना, खोल देना किसी चीज को, तो यहां पर व्हाइट मतलब क्या है, सफेद, फैंग्स का मतलब क्या है, दांत, व्हाइट टीथ, है ना। तो जो टाइगर है उस टाइगर का, है ना, जो व्हाइट फैंग्स है, यानी कि जो सफेद कलर का जो दांते हैं उसको कवर करके, अनकवर करके उसको क्या कर रहा होना चाहिए, जंगल के किनारों में स्नार्लिंग कर रहा होना चाहिए, गांव वासियों को डरा रहा होना चाहिए, है ना। हिज क्लो, उसका जो जबड़ा है, है ना, टेराइजिंग मतलब, टेराइजिंग मतलब क्या होता है, डरना, डर द विलेज, यानी कि उसका जो जबड़ा है, जब वो दहाड़ रहा होगा उसका जो जबड़ा, है ना, यानी कि जब वो दहाड़ेगा तो उसका जबड़ा, जब दोनों जबड़ा जो है ना खुलेगा, तब वो क्या होगा, बहुत ज्यादा डरावना होगा, और ये डरावना की वजह से कौन डरेगा बच्चों, विलेजर डरेगा। यहां तक समझ में आया, ओके, आगे पैराग्राफ में हम लोग मूव करते हैं। अब क्या क्या जा रहा है कि बट, लेकिन, ही इज लॉक्ड, लेकिन वो तो लॉक्ड है, राइट, वो कहां है, लॉक्ड है, कहां पर, इन अ कॉन्क्रीट सेल, एक ईटा से बना हुआ, ईटा सीमेंट से बना हुआ सेल, यहां पर सेल बोला गया है पिंजरा को, पिंजरा मतलब जो केज है जहां पर वो बंद है, है ना, जेल जिसको एक तरह से बोल सकते हैं, उसके लिए तो जेल ही है बच्चों। क्या कह रहा है कि वो जो है लॉक्ड है इस कॉन्क्रीट सेल में, उसका जो स्ट्रेंथ है बिहाइंड द बार, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखो सेल के अंदर बंद है तो ये छड़ हो गया, है ना, हमको पता है केज में जो है वो छड़ ही होता है बच्चों, है ना, ये छड़ इस तरह से लगा होता है, अब अंदर से जो है बच्चों वो क्या है, हमारा टाइगर है, तो टाइगर का जो शक्ति है, टाइगर है, राइट, मतलब स्ट्रेंथ है उस टाइगर का, वो कहाँ है, इस बार के अंदर है, यानी कि उसका ताकत इस बार के अंदर तक ही है, अगर कोई चीज अंदर चला जाए, या हम ही लोग में से जूग अगर जाते हैं हम लोग, अगर हम किसी तरीके से, है ना, बिहाइंड द बार चले जाए बच्चों, तो हमें क्या करेगा, झपेटा मार के खा जाएगा। देखो आजकल का हम लोग देखो क्या करते हैं, है ना, हम लोग जब जाते हैं जू जाते हैं, तो उसका अगर टाइगर जो है, अगर मान लिया जाए ये किनारे में बैठा है, तो उसका जो टेल है, पूछी जो है बेटा, वो बाहर की ओर निकला होता है, तो बच्चा लोग क्या करता है, इस पूछी को छू देता है,
और वो कर भी कुछ नहीं सकता बच्चों टाइगर, क्योंकि वो बिहाइंड द बार है। उसका स्ट्रेंथ, टाइगर का जो स्ट्रेंथ है वो बार छड़ के अंदर है। अंदर अगर हम लोग जाकर के उसको टच करेंगे है ना, तो पता नहीं हम लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे, है कि ना बच्चों। यानी कि हम लोग के पास इतना हिम्मत नहीं होता है कि टाइगर के अंदर जाकर के हम उसका टेल को छेड़खानी करें। बाहर में तो हम छू लेते हैं क्योंकि उसका ताकत उस सेल के अंदर तक ही बच्चों, है ना। ये बात समझ में आ गया होगा। देखो क्या कह रहा है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, स्टॉकिंग मतलब चलना, दस लेंथ उतने ही चल पाता है ऑफ हिज केज, जितना उसका केज है। बताया था शुरू क्लास में, शुरू लाइन में ही ये यहां पर इतना चलेगा। ओके ओके, इग्नोरिंग विजिटर, और वो जो चल रहा होता है उस, है ना, पिंजरा के अंदर जो चल रहा होता है वो विजिटर को क्या करता है, इग्नोर करता है। क्योंकि वो बच्चों टाइगर जो है ना, टाइगर जो है जू में रखने के लिए नहीं है, वो उसका नेचुरल हैबिटेट जंगल है, राइट। तो चलिए आगे हम लोग सुनते हैं, इसका मतलब समझ में आ गया ना। इसका मतलब है कि भाई साहब ये टाइगर है ना जंगल में है, जू में है ना, ये जू में बंद हो गया है, इसका जो ताकत है वो बार के पीछे है ना। बार से बाहर हम लोग कुछ भी कर देंगे, उसको डरा देंगे, धमका देंगे, कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन टाइगर के अगर हम लोग पास जाएंगे, यानी कि बिहाइंड द बार जाएंगे, मतलब अंदर जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा है ना, सब सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगा, राइट। बस मैं ना, और वो उस केज के कुछ ही लेंथ तक चल पाता है और इग्नोर करता है किसको, विजिटर को। आगे लेंथ, आगे क्या लिखा हुआ बच्चों, ध्यान समझो, लास्ट है, ध्यान समझेंगे। He hears, वह सुनता है, टाइगर, टाइगर सुनता है बच्चों, क्या सुनता है टाइगर, द लास्ट वॉइस, अंतिम वॉइस, एक रात को, मतलब उस रात को है ना, अंतिम वॉइस वो सुनता है, आवाज सुनता है किस चीज का, द पेट्रोलिंग कार। जैसे नहीं होता है कि पेट्रोलिंग कार चेक करने के लिए आता है रोड साइड में, उसी तरीके से देखने के लिए आता है कि कोई टाइगर बाहर तो नहीं है, या सब गेट अच्छा से लॉक है या नहीं है, है ना। तो वो पेट्रोलिंग कार्स का आवाज सुनता है, कौन, टाइगर। एंड स्टेयर, और घूरता है वो बच्चों, स्टेयर मतलब घूरना, विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपने चमकीले आंखों से घूरता है किसको, चमकीला स्टार को, ब्रिलियंट स्टार को। इसका क्या मतलब है कि जो पेट्रोलिंग कार्स आता है जू में चेक करने के लिए कि आखिर वो जू जो है अच्छा से बंद है या नहीं है, तो वो लास्ट आवाज उसको सुनाई देता है किसको, मतलब उस दिन का अंतिम जो साउंड होता है वो पेट्रोलिंग कार का होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। और वो उस टाइम क्या कर रहा होता है, स्टेयर कर रहा होता है ना, अपने चमकीले आंखों से किसको, ब्रिलियंट स्टार को, ऊपर की ओर देख रहा होता है। जैसे मान लो बच्चों ये शेर है, है ना, ये शेर है, ये किसको देख रहा होता है बच्चों, स्टार को देख रहा होता है ना, स्टार को, ब्रिलियंट स्टार को देख रहा होता है, चमकीला स्टार को। यहां पर ब्रिलियंट आईज दिखाता है ना फ्रीडम को, इसका भी डिजायर है बच्चों कि ये भी उस स्टार की तरह फ्रीडम हो जाए जो आसमान में है। बात समझ में आ रहा किनारे, है ना। तो ब्रिलियंट स्टार की तरह है ना ये भी क्या होना चाहता है, फ्रीडम होना चाहता है। तो आई होप ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो चुका है बच्चों, लेकिन आपको ये अच्छा लगेगा, आप ध्यान से इसको समझेंगे है ना, तो ये आपको सारा चीज समझ में आएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज इतने ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इस लेक्चर को आप ध्यान से देखें, हर एक वर्ड का मीनिंग जो आपको टफ लगता है उसको नोट करें, है ना। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए है ना, आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने आसपास साफ सुथरा जरूर रखिए। थैंक यू सो मच बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय। और जाते जाते प्लीज क्या कर देना, लाइक कर देना, ओके, और शेयर कर देना, है ना, बस मैं ना, और जो डाउट है उसको कमेंट कर देना। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।